नमस्कार। कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी हैं। जिस तरह से सर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में दो बिहारियों की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? खासतौर पे बिहारियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं देखिए, सिर्फ बिहारियों को नहीं किया जा रहा है, सिविलियन को किया जा रहा है। कश्मीरी जो नागरिक के ऊपर भी हमले हो रहे हैं और हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। बड़ी संख्या में पिछले दिनों हमारे जवानों की हत्या हुई है। ये इस बात को दर्शाता है कि जो अमित शाह जी ने या मोदी सरकार ने इस बात का दावा किया था कि 370 ख़त्म करने के बाद, 35 एक समाप्त करने के बाद और राज का स्तर, राज्य जो उनकी कम करके वो उसको जो छोटा किया गया, जो राज्य को बांटा गया, ये सब करने के बाद उनका ये कहना था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जो कुछ करने, ये सब करने के बावजूद जो है आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ और ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और अफसोस की बात है कि जो बिहार के लोग जो एक तरह से माइग्रेट किए थे, वहाँ अपने रोटी रोजी कमाने के लिए गए थे, उनकी हत्या हुई है, तो ये दुखद है। कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, ये सरकार कंप्लीट फेल है, क्योंकि जितने भी दावे इन्होंने किए 370 हटाने से लेकर और राज्य के स्तर को घटाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और ये कहा गया कि अब सब कुछ नियंत्रण में है और बहुत जल्द यहाँ से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, उसके जस्ट विपरीत वहाँ की स्थिति है, आतंकवाद और तेजी से आगे बढ़ा है। बिहार में उपचुनाव है दो सीटों पर, आप आरजेडी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि महागठबंधन कहा जा रहा था एकजुट है, कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ लड़ रही है, वही एनडीए भी है और चिराग पासवान भी है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, हम लोग तो चाहते थे, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जो हमारा विधानसभा में गठबंधन बना था वो जारी रहे, लेकिन आरजेडी को किसी बात को लेकर उनको उनकी सहमति नहीं हो पाई इस बात पर और उन्होंने तय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने भी फैसला किया है कि हम अकेले दोनों उपचुनाव लड़ेंगे और ये बात सही है कि जिस तरह एनडीए के अंदर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उसी तरह महागठबंधन में भी एनडीए तो एकजुट लड़ रही है। सर नहीं, वहाँ चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान एनडीए के साथ ही है, अभी तक तो दावा वो यही कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और एनडीए ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। मतलब बीजेपी समर्थन कर रही है चिराग पासवान को? ये अब कर रही है कि नहीं कर रही है, विधानसभा में तो हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े, एनडीए अलग चुनाव लड़ा, उसी तरह फिर अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी वही स्थिति बनी हुई है, एनडीए के जो दो घटक एक साथ हैं, एक घटक बाहर है। आरजेडी से दूरी फिलहाल उपचुनाव में रहेगी या आगे भी? आगे अभी कहना मुश्किल है, अभी चुनाव में काफ़ी विलंब है, 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस समय तक क्या परिस्थिति होगी, राजनीतिक परिस्थिति देश की क्या रहेगी, अभी कहना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल, कल कांग्रेस में चुनाव को लेकर, अंतरिमी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बैठक हुई थी CWC की, क्या फैसला हुआ, आप लोग क्या चाहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? बिल्कुल, वो आम सहमति थी राहुल गांधी जी के नाम पर, सभी लोगों ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया और ये फैसला हुआ कार्यकारिणी में कि अगला जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा और संगठन का जो चुनाव होगा वो 1 नवंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, मेंबरशिप से स्टार्ट होगा और उसके बाद प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी का भी चुनाव होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, ये प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी। राहुल गांधी क्या तैयार हैं अध्यक्ष बनने के लिए फिर से? अभी ऐसा उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन आप लोग चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने? अब आने वाले समय में, अभी तो सोनिया जी अध्यक्ष हैं और अगले सितंबर तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी, कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज दिल्ली। 4 अक्टूबर को मॉडल मोना राय को घर के ठीक बाहर गोली मारी गई थी और आज उनकी मौत हो गई। इलाज के दौरान उनकी मौत अस्पताल में हुई। इस समय घटनास्थल पर कशिश की टीम मौजूद है। देखिए अभी भी उस खून के धब्बे यहाँ मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मॉडल मोना राय को गोली यहीं मारी गई। इस चूड़ी को जरा गौर से देखिए, उस दिन से ये चूड़ी, क्योंकि गोली मारे जाने के बाद जब वो गिरी स्कूटी से तो चूड़ी फूटी थी, उसके बाद यहाँ उनको गोली मारी गई। उस समय वो मंदिर से पूजा करके अपनी बेटी के साथ लौट रही थी और घर में प्रवेश कर ही रही थी कि इसी समय दो अज्ञात अपराधियों ने जो हेलमेट पहने हुए थे उसने गोलियां चला दी। गोली चलाने के बाद तत्काल उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहाँ आज उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनका लीवर डैमेज हो गया था और फिलहाल कह सकते हैं कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगने से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका। मोना राय का घर यही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और इसी घर पर मोना राय अपनी बेटी के साथ पूजा करके आई थी। इस स्कूटी को थोड़ा गौर से देखिए, यह वही स्कूटी है जिस स्कूटी से मोना राय कह सकते हैं कि आई थी और आने के बाद अपनी बेटी के साथ यहाँ पूजा करके पहुँची थी। उसी दौरान कह सकते हैं अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। हालांकि पुलिस के हाँ अभी तक खाली हैं, लेकिन पटना पुलिस के बड़े अधिकारी का कहना है कि पुलिस कई पुलों पर काम कर रही है और जल्द मामले का खुलासा करेगी। मुर्गुबालम, कशिश न्यूज, पटना। धनबाद शहर को जाम से मुक्त कराने को लेकर जो है जिला प्रशासन की जो कवायद है वो तेज हो गई है और लगातार जो है वो पत्राचार मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है ताकि लोगों को इस जाम की समस्या से निजात मिल सके। इसको लेकर एक DPR जो है वो तैयार की गई है। तैयार करने के बाद जो है रेल मंत्रालय को भेजा गया है ताकि उस पर जो NOC है वो मिल सके। और हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां से ये जो फ्लाईओवर है वो निर्माण होना है और यहां से करीब 3.7 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है जो विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर जो है मटकुरिया तक ये फ्लाईओवर का निर्माण होना है और लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि इसमें खर्च होगी। और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने पहल जो है वो बहुत पहले से करते आ रही है, लेकिन अब जो है वो गति तेज होती नजर आ रही है। और हम ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं विनोद बिहारी महतो चौक की, जहां से इस फ्लाईओवर का निर्माण होना है। बताते चले कि धनबाद में चूँकि फ्लाईओवर नहीं होने के कारण लोगों को जाम की समस्या से रूबरू प्रतिदिन होना पड़ता था, जिसको लेकर काफ़ी तकलीफें होती थी। और इसी को लेकर जो है जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू कर दी है। बस देर है तो रेलवे से NOC मिलने की, NOC मिलने के साथ ही जो है जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा और कार्य शुरू होते ही जल्द ही इसका निर्माण कार्य वो पूरा कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो जो उपायुक्त हैं धनबाद के, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जैसे ही NOC मिल जाती है रेलवे के द्वारा, उसके बाद जो है कार्य जो रफ्तार है वो तेज कर ली जाएगी। और साथ ही हमने जो झरिया की विधायक है, जो सत्ता पक्ष की विधायक है, सत्तारूढ़ दल की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी अच्छी पहल है और जैसे ही रेलवे के द्वारा थोड़ा सा अटका हुआ जो काम है वो रेलवे में अटका हुआ है और रेलवे जैसे ही NOC देती है उसके बाद ये कार्य प्रगति पे आ जाएगा और लोगों को इससे जाम से जो 2-4 होना पड़ता है प्रतिदिन, उस जाम से उनको निजात मिल जाएगी। और ये वर्षों की मांग थी धनबाद की कि यहाँ एक फ्लाईओवर का निर्माण हो। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। हो या सरकार हो, अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है इस दाह नदी पुल पर। हम वो तस्वीर दिखा देते हैं दाह नदी का, जहाँ पुल जो है कि बीच से धस रहा है और इस पुल पर आवागमन अभी भी चल रहा है। आज तो हद ये हो गई है कि इस पर बाइक चलने लगा है। जिला प्रशासन का आदेश हुआ था कि बाइक को पूर्णतः बंद किया जाएगा, बाइक नहीं आएगा, पैदल भी लोग नहीं आएंगे, लेकिन पैदल चलते थे। लेकिन आज का नज़ारा यह है कि पूरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, पहले उधर की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए इस पर बाइक भी चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है और पूरी तरह से बाइक को शुरू कर दिया गया है। यही वो जगह है जहाँ देखिए पुल वो धीरे धीरे धस रहा है और कैसे डाउन होते जा रहा है और फिर भी लोगों के शरीर से भय खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनसे हम जरा बात कर लेते हैं। परेशानी हो रही है, किसी का डिलीवरी हो तो मैंने बताइए, 4-5 किलोमीटर घूम के जाएगा।
इस वजह से इंसान की कितनी परेशानी शिद्दत का समय झेलना पड़ रहा है। अगर ये काश हमारे सरकार पहुँची हुई, पब्लिक हमारे पहुँची हुई, इस बात के सारे लोग आवाज़ उठाए मिल कर एक साथ, अगर इस बात को काम करें, अगर इस पर हमारा सरकार ध्यान देगी तो सारे लोग का जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगा आखिर ये बताइए, समझ में नहीं आता है कि कितने लोग मजबूरी से रोक आकर वहाँ से पूरे घूम कर जाना पड़ता है। ये कैसे कैसे अपने भारत में जैसे कैसे समंदर के बीच में जो है कि पुल बन जा रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी नदी में अगर मेरी सरकार चाहे तो क्या से क्या कर देगी। लेकिन इस पर पब्लिक भी ध्यान, पब्लिक बोल रही है लेकिन इस पर कोई नेता जो है तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर तवज्जो देना चाहिए ताकि हर लोग का जो परेशानी जो है वो टल जाए, ताकि किसी का भी तबीयत खराब हो तो पूरे घूम के नहीं जाना पड़ेगा। उस हालात में इंसान मर भी सकता है। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है अभी पुल की, वो उस हालात में इंसान मर सकता है क्योंकि काफ़ी घुमा के जाना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल भी महंगा है और लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ हो चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन जरा सा भी उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। एक शख्स और है, इनसे जरा जान लेते हैं। आप बताइए बाबू साहब, ये जो पुल की जो हालात है, आप बिजनेसमैन हैं, आप बताइए क्या स्थिति है, इस पर परेशानी हो रही है? जी परेशानी सर, परेशानी है, तबाह हो गए हैं। मान लीजिए घर के लिए चावल गेहूँ ले जाना पड़ता है तो हम लोग ले जाने में सोचना पड़ता है किस तरह जाएगा। मेरे यहाँ पर सुधा का दुकान है, लेकिन हम लोग डेली दो बार तीन बार आना जाना पड़ता है घर से दुकान। यहाँ पर देखते हैं कि पुल करीब तीन चार महीना से अधिक हो गया, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरे यहाँ पर सुधा का दुकान है, लेकिन हम लोग डेली दो बार तीन बार आना जाना पड़ता है घर से दुकान। यहाँ पर देखते हैं कि पुल करीब तीन चार महीना से अधिक हो गया, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कम से कम जाने आने का रास्ता का पीपा पुल भी बन जाता और पब्लिक को जाने आने में आराम रहता। एक और बड़ा चीज़ है कि आज जो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें देखने को मिल रहा है कि बाइक मोटरसाइकिल घूम गया है, इसमें पुलिस प्रशासन का नेग्लिजेंसी है कि नहीं? हाँ, कहा से माने कब धस जाए, कब इसमें पब्लिक डूब जाए, इसका कोई ध्यान नहीं है सरकार के ऊपर। मान लिया कि मोटरसाइकिल जा रही है, साइकिल जा रही है, मान लिया बाई चांस कहीं धंसा उसमें लोग गिर पड़े, इसका जिम्मेवार क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये जिला प्रशासन को सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो हालात है आज का वो बद से बदतर की स्थिति है। लगभग तीन महीने हो गए, लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं परेशानी से, लेकिन जिला प्रशासन हो या सरकार हो, इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि इस पे सिवान के जो सदर विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, उनसे भी बात करेंगे, चलते उनसे जानेंगे, क्योंकि सिवान शहर का ये मामला है और विधायक के तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। बेगूसराय में कल से लापता दो बच्चों का शव गंडक नदी में मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश उबलता जा रहा है। दरअसल परिहारा ओपी के चमराही गांव से दो चचेरे भाई हर्ष कुमार और गोलू कुमार कल सुबह 9 बजे के करीब अचानक लापता हो गया। लापता होने के बाद परिजन काफी खोजबीन के बाद इसकी सूचना परिहारा थाना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस की असंवेदनहीनता यह रही कि उन्होंने बच्चों को खोजने की कोई जहमत नहीं उठाई। थक हार कर आज सुबह ग्रामीणों ने बखरी खगड़िया सड़क को जाम कर हंगामा किया। इसी दौरान परिहारा के ही गंडक नदी से पहले हर्ष कुमार का शव मिला, उसके बाद गांव वालों ने काफी खोजबीन की तो गोलू कुमार का भी शव गंडक नदी से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार परिहारा थाना पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों बच्चों का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने बेरहमी से दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद शव को गंडक नदी में फेंक दिया है। फिलहाल घटना की सूचना पर बखरी डीएसपी, बखरी एसडीओ, सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन कई घंटे के बावजूद गांव वाले और परिजन अब बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हैं। फिलहाल गंडक किनारे दोनों बच्चों का शव रखा हुआ है और ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो परिहारा थाना पुलिस की लापरवाही की वजह से आज दोनों बच्चों की बदमाशों ने हत्या कर सबको फेंक दिया। गांव वालों का आरोप यह भी है किसी परिवार का एक बच्चा 5 साल पहले भी लापता हुआ था, जिसका आज तक कोई खोज खबर नहीं है।
एक बार फिर दोनों बच्चों के लापता होने के बाद परिजन पुलिस से गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा है दोनों बच्चों की हत्या हो गई है। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। अभी हम लोग पहुंचे हैं मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूरी कौरव प्रखंड के मोहिलीडी गांव में, और इस गांव में जब हम घूमने के पश्चात एक घर हम ऐसा देख रहे हैं जो कि बाहर से तो थोड़ी मोड़ी बनावट ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर की हालत देखते हैं तो सरकार की जो योजनाएं धरातल पर जिन लाभुकों के लिए है शायद उन तक अब नहीं पहुँच पा रही है। जी हाँ, ऐसा ही एक आपको यह घर दिखा रहे हैं कि बाहर से तो देखिए ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर की स्थिति को देखिए आप, किस प्रकार से अभी भी ढहा हुआ है, दीवार गिरा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में ये लोग रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, देख सकते हैं आप कि ये सब आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाहर आ बाबू, बाहर आ जा। अच्छा, बात करेंगे, ये महिला हैं इस घर में, क्या नाम हुआ आपका? मुनीता सोरेन। अच्छा, अनीता। मुनीता सोरेन। मोनीता, मोनीता। हाँ, अच्छा, आप आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं? रंजन मुर्मू। रंजन मुर्मू। रंजन मुर्मू क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम धाम खेती बाड़ी कुछ? हाँ, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। कितना बच्चा है आपका? सात को। सात बच्चा है। ये घर आपका कैसे टूट गया? सेम हो गया है? सेम से पानी पड़ा, सेम से धंस गया है, भीतर गिर भी गया है। कितना दिन हो गया इसे? ये भादो महीना से। भादो महीना में, यानी एक महीना पूर्व पहले। तो इसको लेकर के शिकायत कभी आप लोग बीडीओ ऑफिस में, प्रखंड में जाके बीडीओ साहब को बोले? हाँ। बोले हैं। हाँ। ये इंदिरा, ये जो आवास मिलता है प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए आप लोग आवेदन किए हैं? हाँ। किए हैं। क्या मिला आवास? मिला? हाँ। मिल लो आवास तोड़नी के? नहीं मिल लो? ना। नहीं दिल को? ना। अच्छा, तो की कहे हो, वहाँ वहाँ जाए हो ब्लॉक में? ना। नहीं, वहाँ से कोई अधिकारी यहाँ आवे हो? नहीं। यहाँ मुखिया उखिया ककरो कहलो कि हमर घर गिर गया? पहले ही नहीं आलो। मुखिया कहलो? कोई नहीं आले? अच्छा, चलो, तो देख लीजिए स्थिति ये है। अब ऐसे में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है, और अब 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में पंचायत चुनाव होना है। लेकिन आप सभी झारखंड वासियों के लिए मेरा यह खास करके कशिश न्यूज़ का अपील होगा कि आप ऐसे प्रतिनिधि को ही चुने जो आपकी समस्याओं को सुने, आपके दुख दर्द को समझे। आज 1.5 महीना से अधिक हो रहा है इस घर के टूटे हुए, दीवार को टूटे हुए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सहयोगी रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि देखने को मिल रही है, और आज जो है शतक पार कर चुकी है। इस वक्त हम धनबाद कोलांचल में हैं, और कोलांचल में दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से पेट्रोल का दाम जो है वो आज शतक पूरा कर चुका है, यानी 100 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत हो गई है, और जो डीजल है उसकी कीमत 99 रुपये 71 पैसे हो चुका है। और इसको लेकर जो है पूरे देश में जहां आज हाहाकार मची हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो युवा है धनबाद की, वो सीधे तौर पे युवा जो है वो विरोध करते नज़र आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से क्रिकेट मैच में जब इंडिया जो है शतक लगाती है, जो क्रिकेटर शतक लगाते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं, उसी तरह से आज जो पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हुई है उसका विरोध हम कर रहे हैं कि शतक पार कर चुकी है, और लोगों को हम मिठाई खिलाकर जो है हम यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, और देश के जो विपक्ष और पक्ष हैं उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उन्होंने शतक तक पेट्रोल के दाम को पहुंचाया है। क्या कहेंगे? आज धनबाद में भी आप जान ही गए हैं कि पेट्रोल जो है शतक लगा चुका है, और डीजल भी चंद पैसों का दूरी पे खड़ा है। तो आज हम लोग विरोध स्वरूप यहाँ आए हैं, निकम्मा विपक्ष को भी एक आईना दिखाना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष को भी हम आईना दिखाना चाहते हैं कि आज युवाओं को वो लोग ललकार कर रहे हैं। अगर महंगाई पे ध्यान नहीं देती है सरकार और विपक्ष दोनों नहीं खड़ी होती है, तो मजबूरन हम लोग को भी आगे चल के फिर ठोस कदम उठाने पे मजबूर कर किया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हमें लग रहा है यहाँ पे अभी जो पेट्रोल का जो दाम है, अभी जो 100% शतक जो लगा चुकी है, हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का जो पेट्रोल का जो दाम है कम कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो जनता लोग है, जो युवाएं हैं जिनको जाना है कहीं पे, मान लीजिए जो इतना है जिसके पास तो नहीं रहेगा वो तो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ पे सरकार को जो है
इसका ठोस कदम उठाना चाहिए जो कि ये कम हो जाए पेट्रोल का दाम एंड डीजल का। सामान महंगा हो रहा है, भाड़ा महंगा हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का बहुत तरह की परेशानियां हो रही है। क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी आज सड़कों पे उतर चुकी है और बैट बॉल के साथ ये सीधे तौर पे पेट्रोल पंप पहुंचे हैं और लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो पेट्रोल की कीमत है वो शतक पार कर चुकी है और जो सरकार है या विपक्ष है वो मौन धारण की हुई है। पेट्रोल के शतक की शुभकामनाएं, ये शुभकामनाएं किनको दे रहे हैं आप? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया जा रहा है कि आप लोग दोनों इसमें नाकाम साबित हुए हैं और जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। आज की जो रेट है वो 100 रुपये 17 पैसे जो है नॉर्मल पेट्रोल की कीमत है जो आज की रेट है, यानी कि कह सकते हैं कि वो आज पेट्रोल की जो कीमत है वो शतक पार कर चुकी है। और ये हम धनबाद की दृश्य दिखा रहे थे जहां युवा पीढ़ी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। द्वारा घुटाए गए बंद को लेकर गया जिला में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। गया जिला की बात करें तो नक्सल प्रभावित डुमरिया इमामगंज क्षेत्रों में अहले सुबह से ही वाहन नहीं चले और इन क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहे। नक्सलियों का खौफ इस क्षेत्र में इतना है कि बैंक भी बंद रहे और वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से ठप रहा। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर CRPF 159 बटालियन के जवानों के द्वारा इन क्षेत्रों में लगातार गश्ती की जा रही है। पुल पुलिया पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता द्वारा भी विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में नक्सलियों ने बिहार झारखंड और UP में बंद का आह्वान किया था और इसी को देखते हुए गया के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इमामगंज बाके बाजार हो या गुरिया हो या बरहा चकरबंधा का इलाका हो, इन क्षेत्रों में नक्सलियों के खौफ से दुकानदारों ने अपनी दुकानों को नहीं खोला। वहीं आम दिनों की तरह जो गाड़ियों का परिचालन इन क्षेत्र की सड़कों पर होता है वह भी नहीं हुआ। अहले सुबह से ही वाहन बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग करते रहे लेकिन कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस अधिकारियों से भी हमारी संबंध में बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगर किसी भी तरह का उपद्रव नक्सलियों के द्वारा किया जाता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि बंद का असर सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों में ही रहा, जो मुख्य बाजार थे गया शहर हो या सिरघाटी का इलाका हो या टेकारी का, इन क्षेत्रों में दुकानें खुली थी लेकिन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जंगल और पहाड़ों के जो रास्ते हैं जहाँ पर बाजार हैं, उन क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह से ठप रहा और सन्नाटा पसरा रहा। इन क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ व्यापक रूप से देखने को मिला। कशिश के लिए गया से प्रदीप कुमार। और इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ।